कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि हाँ होता तो वह होता और वह होता तो शायद ऐसा होता, ऊपर वाला देख रहा था। अब इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से, फिर बाद उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुम्हें कहा था कि यहाँ पर पानी का स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है, अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया दोस्तों। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थितियाँ बदल सकती हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देना जानते हैं। अगर आपके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं कि, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती होती है आप अपना योगदान जरूर देंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मज़ेदार कहानी मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।